1535 में प्राकट है, 1728 में ठाकुर जी यहाँ पधारे। छः महीने तक मुगल काल का आक्रमण चला तो गसिया में विराजे, उसके बाद में ठाकुर जी प्राचीन मंदिर खर्च भंडार में विराजे। ये ठाकुर जी ने यही जगह क्यों चुनी? ये गसिया पर्वतों के अंदर सुरक्षित था, नहीं तो गाड़ी आने का साधन था। जब त्रिनाथ जी यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका रथ का बनिया यहाँ फंस गया था, अटक गया था। मेवाड़ के महाराणा ने फिर ये जमीन दे गए, ठाकुर जी का मंदिर यहाँ बनवाया। इस संप्रदाय में मानता है जो भी होता है श्रीनाथ जी की इच्छा से ही होता है। इसका पूरा नाम सियाड़ गांव है और श्रीनाथ द्वारा के हिसाब से श्रीनाथ द्वारा नाम पड़े। चारों तरफ बसावट ऐसी होगी तो वो लगता नहीं पहाड़ है, पूरा पहाड़ पर बसा हुआ है। आज के 400 साल पहले मेरे फादर जयपुर से जब ठाकुर जी यहाँ आए थे उनके साथ ही हम सनातन द्वारा में वैष्णव लोग आते हैं। पुष्टि मार्ग की संप्रदाय है ये, और पुष्टि मार्ग की संप्रदाय में भगवान को खूब प्रसाद का भोग चढ़ाना और सब भक्तों को बांट देना। श्रीनाथ जी है जो कृष्ण का बाल स्वरूप है। माँ तैयार करती है ना, बच्चे को दर्पण दिखाती है, काजल लगाती है, कपड़े पहनाती है, श्रृंगार कराती है। तो जो मुखिया है यहाँ वो यशोदा का रूप माना जाता है उसको। ठाकुर जी के पानी का, ये पान का है, ये ठाकुर जी का बंटा है खाने के लिए। बच्चे को सारा दिन भूख लगती है तो 8 दिन में उनका प्रसाद वगैरह ये चेंजेज करते रहते हैं। ये 8 दर्शन कौन से होते हैं ठाकुर जी के दिन में? मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, 4 सुबह उत्थापन भोग, आरती और शयन, ये 4 शाम के। पाँच बजे से 6 बजे मंगला होती है तो हम खुद 6 बजे उठ जाते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा पूजा किए बगैर हम काम नहीं बैठते।
जब ठाकुर जी खाना खा रहे हैं, राजभोग हो रहे हैं दर्शन, हाँ। तो उसी टाइम अपने का लंच होता है, बराबर है ना। ठाकुर जी 7 बजे बाद रेस्ट कर लेते हैं, अपन 7 बजे बाद काम बंद कर देते हैं। मतलब जो सिस्टम चल रहा ना वो इनके साथ ही चल रहा है हमारा भी। अच्छा, इधर मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई रीजन है कुछ? आपने कैमरे में कैद किया तो वो चीज बाहर चली गई, इसकी मर्यादा कम हो जाती। मंदिर में यही मूर्ति, इसको हम किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसको प्राकृत्य मानते हैं लोग, को निगाह नहीं मिला सकता भगवान से, वो अपनी निगाह नीचे रखते हैं, शर्मिंदगी है थोड़ा सा नेत्र नीचे होते हैं। ठाकुर जी का चित्र डायरेक्ट आज के कितने साल पहले आर्टिस्ट ने ठीक उनके सामने बैठ के बनाया महाराज श्री की आज्ञा से, तो वो जो चित्र आज भी चल रहा है वही गहना आज भी बन रहे पेंटिंग में। पिछवाई भगवान के पीछे डेकोरेशन करने के लिए पीछे लगाई जाती है, उसको हम पिछवाई बोलते हैं। जैसे आपके घर के अंदर भगवान की सेवा है, आप हमें दोगे, हमारे दीवार का साइज पीछे इतना है, सिंहासन भगवान का इतना है, उस हिसाब से हम पेंटिंग बना के ग्राहकों को, हर घर के अंदर भक्त लोग पिछवाई वगैरह बनवाते हैं। आज के युग में लोग डेकोरेशन के रूप में भी पिछवाई को अपने घर में लगाते हैं। बाहर की संप्रदाय में बाल स्वरूप के सामने किलिंग का कोई भी दृश्य नहीं होता, बच्चे बनकर न तो लीला बनेगी न पिछवाई बनेगी न वो सब्जेक्ट होगा। तो जो शुरुआत है जो पेंटिंग का पूरा कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में ही। अच्छा, जो भगवान को माला वगैरह ये है, या तो जूही के फूल या कमल रोज फ्लावर वगैरह, जंगली फूल नहीं बनाएंगे। अगर आप अपने शेर बनाना चाहें तो बनाएंगे, हाँ शेर तो जंगल में तो नहीं बनाएंगे ना, शेर में तो ये तो हमारे ये गोपियाँ डर के भग जाएगी ना। ये क्या चित्र है जो बना रहे हैं? ये महाराष्ट्र, ये कृष्ण ने जो महाराष्ट्र किया था ना वो है, शिव ने महाराष्ट्र देखन को अद्भुत रूप धरिया नारी का, उन्होंने भी लेडीज का रूप धरा तो मैं महाराष्ट्र देखूंगा। भगवान ने पहचान लिया कि सभी कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, ये साइड में ग्रीन है, ये ग्रीन है, यहाँ बीच में चंद्रमा का प्रकाश है, प्रकाश में रहते हो। इसका ये भाव है कि कृष्ण ने हर गोपी के साथ डांस किया था, तो किसी गोपी को ये नहीं लगे कि मेरे साथ कृष्ण डांस नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? मतलब हर गोपी को लग रहा है कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं। तो ये कृष्ण की माया के इतने सारे रूप हैं उनके। हाँ, आपने ये सब डिटेल में जो काम है किससे सीखा? ग्रैंडफादर से। वो ऐसा है जैसे वो लकड़ी का पाटिया होता था ना, तो ऊपर वो बना देते थे और नीचे हम उसके नीचे इस ब्रश से बनाते थे। वो उतना लाइन पावर देखते थे कि कागज दूंगा तो ये रबड़ से मिटा के वापस उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब ये ब्रश से बना लिया, अगर मैं ध्यान से नहीं बनाया तो उसको तो वापस कलर से मिटाना पड़ेगा। कुछ याद है शुरू के पाठ क्या? शुरुआत तो गणपति से करते हैं, एक चीज़ को 20-20 बार दो दो तीन तीन दिन तक बनाते ही रहते हैं। लाइनिंग पावर जिसका हो गया, जाएंगे स्केचिंग बनाना सीख गया, वो आदमी सब कुछ सीख गया। तो आपको लाइनिंग सीखने में कितना टाइम लगा? 2-3 साल लगे, 2 साल। अच्छा, इसकी सीमा नहीं है लाइनिंग सीखने की।
आज हमें भी ऐसा लगता है, अभी हम भी पूरे नहीं हैं ऐसा लगता। साड़ी का काम, फिर ऑर्नामेंट्स का काम, फिर मोती वगैरह, टाइम लगता है क्योंकि एक ही चीज़ में इतनी डिटेल करेंगे तो बहुत वर्क है इसमें। मैं एक पीस एक महीना में बनाता था तो मेरी नकल हो जाती थी तो दूसरे बैठ के 5-6 पीस दे देते थे। मार्केट में इतना माल हो गया, खरीददार कम हो गए, तो उस कारण ये डाउन पोजीशन चलता रही। जो जो आदमी के पास पैसा बढ़ा तो उन्होंने कहा ना मेरे को डेकोरेट चीज चाहिए, तड़क फड़क का चल गया सीजन। यह मंगला है, सावन महीने में मंगला होती है। इस मंगला के अंदर सिर्फ ठाकुर जी के यही किनारी होती है, ये नहीं होती डिजाइन, और ये गहने भी ऊपर से बना नहीं होते। सेवा करने का मतलब ये होता है नॉट डायमंड। सेवा का अलग होता है चित्र, और सजाने का अलग होता है। ये पिछड़ा ही नहीं है, इसको आपका मार्केट में 3D बोलते हैं, उभार वाला काम। अच्छा, तो आजकल इसका चल रहा है मार्केट। हाँ। पर इतना क्या कस्टमर को मालूम है? प्योर गुजराती होते हैं ना, जो सेवा के लिए वैष्णव मानते अपन, वो उस चीज को समझकर उस हिसाब से सेवा में करा, और बिगर ना सेवा नहीं कर सकते, ये सेवा का अर्थ है। जो भी पिछवाई में जो भाव प्रस्तुत करते हैं वो रियलिस्टिक स्टाइल में है वो किसमें? नहीं, हम ट्रेडिशनल में चलते हैं। रियलिस्टिक तो पिछवाई में होता ही नहीं है, वो तो पेंटिंग हो जाएगी, पिछवाई नहीं होगी। जैसा कि कमल है तो स्ट्रिंग से कमल होते थोड़ी है, कमल तो पानी में, अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक पानी में ऐसे बिछे हुए ऐसे हो तो ऊपर खिले हुए होते हैं। ये तो एक डिज़ाइन है, उसमें भाव बनाना पड़ता है ट्रेडिशनल में कि कैसा अच्छा लगेगा। जैसे इधर से लाइट आई तो इनके चेहरे पे लाइट पड़ी तो ये लाइट दिखेंगे, अब लाइट इधर से आ रही तो इनको तो बैक पे तो इनको लाइट इधर होना चाहिए। तो रियलिस्टिक में वो होता है कि आगे का हिस्सा इधर के डार्क आ गया तो पीछे पे लाइट पीछे पड़ रही, लेकिन हमें तो चीज दिखाना। इसमें वो ध्यान रखना पड़ता है, एक बर्फ भी बच जाए तो हमको 100 रुपये का फायदा, बाकी एक ज़्यादा लग जाए तो 100 का नुकसान।
क्या है? ये गम, ये बबूल का इनका होता है। आपने कभी सिंथेटिक गम? वो पकड़ नहीं होती है, जो कलर में लचक चाहिए, मोमेंट चाहिए, वो नहीं मिलता है। नेचुरल भी लेते हैं और मिक्स भी लेते हैं, क्योंकि नेचुरल कलर अभी मिलते नहीं हैं। जैसे उसको गोधूली बोलते हैं, पीला कलर। ये बंदा कैसे था? आम के पत्ते होते हैं नहीं, इनको सड़ाते हैं, उसके बाद इनके ये कलर निकालते हैं। एक ये देसी नील है, ये पत्ते की बनती है, आती नहीं आती। आज ये 20 साल पहले तोले पर मिलती थी, 250 रुपये 300 रुपये तोले पर आती थी। इस येलो में और आजकल के सिंथेटिक येलो में है फर्क? जमीन आसमान का अंतर, ये 200-300 साल तक है जो ही रहेगा। ये खाली म्यूजियम में करने के रह गया। जैसे ये ठाकुर जी का मुखार बना हुआ है, ये इसी कलर का बना हुआ है, तो ये देख लो आप 20-22 साल हो, ये फैक्ट यही है। कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता इसमें, अभी जो कलर आता है फेट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में ये फेट हो जाएंगे। अब इस कवल का कलर देख लो आप, कोई फेट नहीं हुआ है, जो जो स्थिति है। ये जो रंग है क्या ये सेट है? तो मतलब गोपी का रंग है तो यही होगा, भगवान का रंग है तो यही। हाँ, तो इसमें भगवान का रंग तो फिक्स है। अच्छा, वो क्या रंग है भगवान? भगवान का मतलब डार्क कलर, श्याम वर्ण बोलते हैं उसको। परंपरागत है, इस पर हम क्या अपने मन से नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट से हटके काम नहीं कर सकते हैं। जैसे श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी में जैसे ब्लू डार्क कलर है तो वही रखना पड़ेगा, उसको रेड नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ वही रखनी पड़ेगी। तो ये जो चंपा कलर है राधा का, आपने खुद सोच के या ये रंग फिक्स्ड है? ऐसा है, ये पुस्तक ने तो मिला ही है। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं, जो कवि है, अलंकार लगाते हैं, वो कमल नयनी, तो मतलब वो कमल की पंखुड़ी के समान तीखे नयन हो, लग नयनी, अलग अलग मतलब उसकी आँखें हैं, जैसा चंपक वर्ण है, जैसे श्याम वर्ण है, मतलब बदलाव आ सकता है पर भाव वही रहना चाहिए। एक ही भाव के अंदर जो अच्छा लगे वही होना चाहिए। अब तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, सारे कलर प्रकृति के रंग मिलते हैं, जैसा जो आज चाहिए वो कलर में वो मिल जाता है। पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी पानी के लिए, जैसे ग्रीन वगैरह ये वेस्ट पहले इतने नहीं मिलते थे नेचुरल दर्शाने के लिए, तो ये जैसे पानी के लिए सिल्वर का यूज़ होता था। अगर आप ये सिल्वर रंग की जगह नेचुरिस्टिक हरा रंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके अंदर हम रेड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव लगाने के लिए, अच्छा लगने के लिए कोई भी कलर डाल सकते हैं, जैसे रेड डाल सकते हैं, ब्लू डाल सकते हैं, ब्लैक डाल सकते हैं। एक कमल तलाई के अंदर श्रीनाथ जी का दर्शन है। हाँ, कमल कृष्ण को बहुत प्रिय थे, वो कृष्ण हाथ में भी कमल रखते थे अक्सर।
सारी पेंटिंग पे लोगों के सारे कलर ब्रेक हो जाते हैं, अपनी पेंटिंग में कभी कलर ब्रेक नहीं होंगे, प्रोसीजर अलग है बनाने का, जानकारी नहीं है कि गुटाई की जाती है, बिछवाई की क्या किया जाता है। राजभोग के दर्शन खुल रहे हैं, खुल गए, आवाज आ रही है। राज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपने व्रत रखा होने? हाँ, आज तो दिनेश भाई आपने? नहीं, वो रात को 12 बजे खाना खाएंगे। ये नेत्र हम लास्ट में बनाते हैं, नेत्र खोलना, पहले बिंदी बनाएंगे और समझे आप भगवान बन गए। ऊपर काली घटा आई है, बरसात हो रही, मोर के साथ भगवान भी है, कृष्ण को मोर बहुत प्रिय है, पूरा सावन लग रहा है।